ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शहबाज गिल पर तशद्दुद और इंतकामी सियासत की मुखालफत कर दी है। ओवरसीज पाकिस्तानी शहबाज गिल पर तशद्दुद पर सरापा एहतजाज। फ्रांस में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बस गिल पर तशद्दुद का केस देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में कानून नाम की कोई भी चीज नहीं है। फिर सवाल तो ये बनता है कि पहले नवाज शरीफ साहब, मरियम सफदर साहबा, ख्वाजा आसफ और इस तरह जवेद लतीफ ने जो बयान दिए उस पर क्यों नोटिस नहीं लिया गया और उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। शहबाज गिल पर पुरतशद्दद अगवा और उस पर जो ये जुल्म बर्बरियत का बाजार कर्म किया गया है, इसकी हम पुरजोर मसम्मत करते हैं और हम ये उनकी रहाई का मुतालबा करते हैं। ये हुकूमत वोटेड हुकूमत है, इसने फस्ताइयत की आखिरी हदें भी पार कर। ये कौन सा तरीका है कि रिमांड में रखकर उसके ऊपर आप टॉर्चर करें। सारी सूरत हाल में हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान है कि जो समूह एक्शन लें और हुकूमत को इस किस्म की फस्ताइयत से रोके। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी शहबाज गिल पर जो तशद्दुद किया जा रहा है इस पर सरापा एहतजाज है और हम तमाम जो मुक्तदर इदारे हैं उनसे अपील करते हैं कि इस तशद्दुद को रुकवाया जाए। आखिर ये कौन लोग हैं जिनको इमरान खान का इतना खौफ खा गया? तशद्दुद जो है शहबाज गिल पे कर रहे हैं लेकिन इनका असल निशाना जो है इमरान खान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।